जिस तरह ज्योतिष शास्त्र के आधार पर व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसका कैरियर कैसे रहेगा, उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसका गृहस्थ सुख कैसा रहेगा, सारी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हमें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी, यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके आधार पर भी व्यक्ति की समस्त चीजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें तीन चीज प्रमुखता होती है, एक मूल अंक यानी आपका किस तारीख को जन्म हुआ है, उसके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव को, उसके कैरियर को और इससे बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। जिस प्रकार से कि हम ज्योतिष शास्त्र में लग्न के आधार पर और उसकी राशि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव को और उसके जीवन के बारे में जानते हैं, इसी प्रकार से मूलांक के आधार पर भी व्यक्ति की इन सब सारी चीजों को जाना जा सकता है। दूसरा होता है भाग्यांक, यानी आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ क्या, जैसे आपका है 7/12/2022 या 7/12/1999, तो उसका जो टोटल आता है उसके आधार पर आपका भाग्यांक निकलता है, तो उस भाग्यांक के आधार पर भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद एक है नामांक, यानी आपका जो नाम है उसके आधार पर उसका अंक कैसा आता है, जो कि आपके मूलांक और नामांक से मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो उस आधार पर भी उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे आपने कई फिल्मी हीरो को देखा होगा, ऋतिक रोशन को देखा होगा आपने, आयुष्मान खुराना को देखा होगा, जिसमें उन्होंने अपने नाम के अक्षरों में कुछ चेंज कराया है, तो नाम के अक्षर को चेंज करके भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। ये अंक ज्योतिष में इस प्रकार की चीजें दी गई हैं। तो आज हम इस सीरीज में आपको एक सीरीज चलाने के लिए जा रहे हैं अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी की, जिसमें पहले हम जो है आपको मूलांक के बारे में बताएंगे। मूलांक 1 से 9 अंक तक के होते हैं। जिस प्रकार से हमारे 9 ग्रह होते हैं, हर एक मूलांक का एक एक ग्रह होता है। तो आपका कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ, आपका मूलांक कौन सा हुआ, उसके आधार पर आपके सभी चीजों के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बताएंगे, उसका कैरियर कैसा रहेगा, कौन सा कैरियर उसको चुनना चाहिए, उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी, के शुभ अंक कौन से रहेंगे और अशुभ अंक कौन से रहेंगे, कौन से रंग के कपड़े उसको पहनना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े उसको नहीं पहनना चाहिए, उसका हम उपाय भी बताएंगे कि यदि आपका मूलांक 1 है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। आज हम आपके लिए मूलांक 1 के बारे में जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश मालोदिया। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि हमारे नित्य आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करते रहे। यदि आपका जन्म 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका यदि आप टोटल करेंगे तो 1 अंक आता है, तो आपका मूल अंक हुआ 1। अब आप अपना देख लें कि जन्म तारीख 1 है कि नहीं है। यदि हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 से प्रारंभ होकर के 9 तक आती है, यानी 9 अंक होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 9 अंक भी होते हैं अंक ज्योतिष में। तो पहला नंबर चूंकि प्रारंभ है और इसको निर्माण का अंक भी बोल सकते हैं, पहला अंक जो है वो सूर्य का अंक कहलाता है, यानी 1 अंक का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। और ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा होता है, तो 1 अंक वालों का जो स्वभाव है वो सूर्य के समान होता है। तो चलिए जानते हैं पहले पॉजिटिव वे में कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक इनका स्वभाव कैसा रहता है। जिनका 1 अंक होता है उनका सूर्य की भांति ऑरा होता है, ये बड़े तेजस्वी होते हैं, ये देखने में अलग ही लगते हैं, इनसे लोग जो है बरबस जो है इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इनमें एक आकर्षण शक्ति होती है। ये थोड़े से हल्के कद के होते हैं, कड़ काती इनकी मजबूत होती है, सूर्य के समान गर्म तेजस्वी पराक्रमी और बड़े रौबदार होते हैं। ये जीवन में हमेशा टॉप पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये किसी के अधीनस्थ नहीं होते हैं, ये हमेशा ऊंची स्थिति पर रहना चाहते हैं, प्रेम का सम्मान करते हैं, लेकिन
इनका यदि किसी ने सम्मान नहीं किया तो बड़े जल्दी इनको बुरा भी लग जाता है। यानी आप यदि इनको सम्मान देंगे तो उससे ज्यादा आप इनसे सम्मान पाएंगे, और यदि आप इनको सम्मान नहीं देंगे तो फिर ये आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे पाएंगे। एक अंक के लोग जो है वो लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, हवाई जहाज में चलना, यदि इनको लंबी यात्रा करना है तो एसी में चलना, इस प्रकार की एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, बढ़िया सेंट इत्यादि लगाना। तो ये जैसे राजा महाराजा रहते हैं उस प्रकार के का जीवन ये लोग जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो है दिखावा ज्यादा करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, साथ ही परिश्रमी भी बहुत होते हैं, ये दूसरों की सहायता बहुत ज्यादा करते हैं। यदि इनका कोई मित्र है और इनको यदि पता चल जाए कि हमारा मित्र जो है किसी परेशानी में है, उसको इतने रुपयों की आवश्यकता है, सबसे पहले आकर के और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी ये लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि सूर्य का स्वभाव क्या है, देना। सूर्य हमेशा देता है, वो लेना नहीं जानता। इसी प्रकार से जिनका एक अंक होता है वो किसी से लेते नहीं, वो सिर्फ देना जानते हैं। इनके दोस्त प्रायः कम होते हैं क्योंकि ये मुंहफट होते हैं, जो कुछ भी चीज रहती है मुंह पर बोल देते हैं, इसलिए लोग बड़े जल्दी इनसे नाराज हो जाते हैं और इनके दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब चलते हैं इनका नेगेटिव स्वभाव किस प्रकार का होता है जिसके कारण से परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसे लोग एग्रेसिव बहुत होते हैं और ये बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए कभी कभी इनके साथी जो रहते हैं या परिवार के लोग रहते हैं या पति पत्नी जो रहती है, बच्चे रहते हैं, ये इन्हें तानाशाह समझते हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं लोगों को। ऐसे लोग ईगो यदि इनका कोई हर्ट कर दे तो बड़े जल्दी ये अपने मन पर ले लेते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि हम किस कारण से मतलब जो है दुखी हो गए हैं, किस कारण से हम व्यक्ति से नाराज हो गए हैं, लेकिन इनका ईगो बड़े जल्दी हर्ट होता है, जिसके कारण से लोगों से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। चाहे पत्नी हो, परिवार हो या बच्चे हो, यदि किसी ने इनका ईगो हर्ट कर दिया तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार इनकी वाणी बड़ी कड़वी होती है, ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन दूसरों को ऐसा लगता है कि इनकी वाणी बड़ी कड़वी है और बड़ी तेज है, जिस कारण से लोग इनसे थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। ये नौकरी में पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है, ये किसी के अधीनस्थ काम नहीं कर सकते। यदि ये किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो इनको बड़ी बेचैनी होती है, ये हमेशा अपनी चलाने का प्रयास करते हैं। यदि इनका कोई बॉस भी है तो उसको अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो बड़े जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसलिए ये लोग जो है नौकरी नहीं कर पाते हैं। ये हमेशा नंबर वन की पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं। प्रेम संबंध के मामले में जानते हैं कि इनके प्रेम संबंध के मामले में इनका भाग्य क्या बोलता है। एक अंक जिनका होता है वो कम उम्र में ही प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, और क्योंकि ये किसी की बात मानते नहीं है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये परिवार के वृद्ध जाकर के भी शादी कर लेते हैं। परिवार की इच्छा नहीं है, अंतर जातीय विवाह में जा रहे हैं, लेकिन ये अपनी मन मर्जी से शादी कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी जन्म तारीख 19 है, तो 19 तारीख वाले लोग आप देखना प्रायः ये परिवार से, समाज से लड़ाई झगड़ा करके और शादी करते हैं। ऐसे लोग जिनकी जन्म तारीख 28 है, तो ऐसे लोग जो है प्रेम संबंध तो करते हैं और शादी तक बात आ जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये लोग पलट जाते हैं, फिर ये शादी करने से मना कर देते हैं। मूलक एक वालों के लिए किनसे शादी करनी चाहिए, कौन लिए शुभ तारीख रहती, 2, 11, 20 और 29, इन तारीखों में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उनसे इनको विवाह करना ज्यादा लाभप्रद होता है। या 4, 13 और 22, तो 4 अंक के लोगों से भी इनकी पट सकती है। इसके बाद 5, यानी 5, 14 और 23, यानी 2, 4 और 5 जिनका टोटल आता है, तो 2, 5 और 4 अंक वालों से इनको प्रेम संबंध करने चाहिए या शादी करने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई है तो फिर आप जो है कुछ गड़बड़ करने लगे, ऐसा नहीं, जो होगी उसके लिए तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन यदि आप शादी करने के लिए जा रहे हैं या किसी से प्रेम करने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। वो कौन से अंक वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, 8 अंक वालों से इनको ना तो कभी शादी करनी चाहिए और ना ही कभी किसी के प्रेम चक्कर में पड़ना चाहिए। यदि आप किसी 8 अंक वाले लड़की से प्रेम संबंध करते हैं या लड़के से प्रेम संबंध करते हैं तो उससे आपकी निभेगी नहीं। 8 अंक आने 8, 17 और 36, इस अंक वालों से इनको दूर रहना चाहिए। इनके मित्र अंक कौन से होते हैं,
इनके मित्र अंक जो है जिनसे इनको दोस्ती करना चाहिए वो है 1, 2 और 7। ये कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो इनको इसमें सफलता मिलेगी। इन वर्षों में भी कोई कार्य करेंगे तो इनमें इसको सफलता मिलेगी। अशुभ अंक कौन सा है? अशुभ अंक जो है 1 अंक वालों का 8 है, यानी 8 अंक जो है इनके लिए बहुत ज्यादा अशुभ होता है। 8 तारीख को इनको कभी भी कोई भी अच्छे निर्णय नहीं लेने चाहिए। कोई भी आपको डील करने के लिए जा रहा है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो इसका ध्यान रखें उस दिन 8 तारीख तो नहीं है। 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख तो नहीं है। यदि वो तारीखें पड़ती है तो उस दिन आपको कोई भी अच्छे काम या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ रंग इनका, यानी कि सूर्य का रंग जो है वो लाली में लिए हुए होता है, इसलिए इनका जो शुभ रंग है वो पीला, केसरिया या हल्का लाल जो है वो इनके लिए शुभ होता है। अशुभ रंग इनके लिए, कभी भी 1 रंग वालों को काला रंग जो है अशुभ होता है। काले कपड़े ऐसे लोगों को नहीं पहनना चाहिए। करियर के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोग यदि पुलिस में या आर्मी में जाते हैं तो वहां पे ज्यादा इनको सफलता मिलती है, या डॉक्टर बनते हैं तो उसमें ज्यादा इनको सफलता मिलती है। लेकिन इनके लिए व्यापार ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि व्यापार में ये खुद के मालिक होते हैं, उसमें इनके ऊपर कोई नहीं होता है। ये पार्टनरशिप में थोड़ा सा अनिजी फील करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ दबाव डालेगा तो ये दबाव किसी का पसंद करते नहीं है। इसलिए ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं तो उसमें ज्यादा इनको सफलता मिलती है। लाइफ में चेंजेस कौन कौन से सन में आती है? 10, 19, 28, 37, 46 इन आयु में यदि आपको कोई भी बड़े डिसीजन लेना है, कोई भी परिवर्तन आपके जीवन में करना है, तो इन वर्षों में आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में 55 और 64, इनमें भी आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ज्यादा भाग्यशाली 1, 10, 19 और 28 में कौन सी तारीख होती है? वो होती है आपकी 19 और 28। 19 तारीख को जिनका जन्म हुआ या 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, वो ज्यादा भाग्यशाली होते हैं बशर्ते 10 और 1 के। यानी सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते 19 तारीख वाले, उसके बाद 28, उसके बाद 10 और फिर आखिरी में 1। अब आप जानना चाहेंगे कि 1 तारीख में किन किन लोगों का जन्म हुआ था जिनका मूलांक जो है वो 1 था, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, इंदिरा गांधी, इन सबका 1 अंक था। इसलिए इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? जैसे सूर्य का जो है काम है निश्चित समय पर वो उगता है, तो इनकी अपनी दिनचर्या जो है इनको अपनी व्यवस्थित तरीके से रखनी चाहिए। जिनका मूल अंक 1 है उनको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित तरीके से यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से यह अंक उनके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। रविवार को इनको उपवास करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन जो है वो सूर्य का होता है। इस प्रकार से यदि आपका मूल अंक 1 है तो हमने जो चीजें बताई हैं वो चीजें आप देखिए कि आपके जीवन में वो चीजें घटित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और वैसा यदि आपका स्वभाव है और वैसा यदि आपके कैरियर में जीवन में चल रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि आप में कौन कौन सी चीजें इसमें मिल रही हैं। आगे आपके लिए 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से श्रृंखला में सभी मूलांक के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद फिर भाग्यांक के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमें जो 9 वीडियो की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें 1 से 9 तक की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आज की बात समाप्त, हमें आगे दें। नमस्कार, ओम शांति।